नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्र वनडे एग्जाम में। और दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। जीएस के अंतर्गत हमारा एक विषय है, हमारा एक सब्जेक्ट है जो जीएस के सिलेबस में सम्मिलित है, जिसे हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, भारतीय संविधान। और दोस्तों, भारतीय संविधान में मोस्टली जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो ये पूछ लिया जाता है कि किस भाग में क्या है, किस अनुसूची में क्या है, या कुछ ऐसे प्रावधान पूछ लिए जाते हैं जो संविधान के अंतर्गत लिखे हुए होते हैं। तो आज हम इन्हीं में से एक प्रावधान दोस्तों है, एक पॉइंट है या एक सिलेबस का पार्ट है हमारे संविधान का, जिसे हम बोलते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। और यहां पर आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि भारत के संविधान के सभी भाग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के सभी भागों को पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं, और ना केवल पढ़ने वाले हैं बल्कि इनको बहुत अच्छे तरीके से याद भी करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये क्लास या ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। तो आइए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये देखेंगे भाग कौन सा रहेगा, ठीक है, उस भाग का नाम क्या होगा और उसमें अनुच्छेद क्या होगा। और दोस्तों, अनुच्छेद के साथ साथ इसमें एक और चीज लिखेंगे, विशेष यानी स्पेशल क्या है। कोई कोई ऐसा भाग है जिसमें कोई स्पेशल हमें देखने को मिलेगा तो वो हम जो है इसमें लिख देंगे। तो यदि आप लोग भी अपने नोटबुक में इस प्रकार का चार्ट बनाना चाहो तो बना लीजिएगा, ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। अब हमारा पहला भाग होगा दोस्तों, भाग एक। सबसे पहले हम देखेंगे भाग एक को, और भाग एक का जो नाम है दोस्तों, इसका है संघ एवं राज्य क्षेत्र। नंबर फर्स्ट लिखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। शायद आप सभी लोग इस चीज को जानते होंगे, है ना, ये वाला सभी लोग जानते होंगे लगभग लगभग में, ठीक है। और अनुच्छेद हम देखेंगे, इसमें अनुच्छेद होगा अपना एक से लेकर के चार। अनुच्छेद एक से लेकर चार तक जो है हमारा ये आर्टिकल हो जाएगा। इसमें विशेष में कुछ नहीं लिखना, और यदि लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि संघात्मक जो व्यवस्था है भारत की, ये कनाडा से ली गई है, इतना लिख सकते हो। इसमें विशेष में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है, आप इतना लिख सकते हो कि संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। फिर हम लोग लिखेंगे दोस्तों भारत संविधान का भाग दो, भारतीय संविधान का भाग दो, जो कि आएगा नागरिकता से संबंधित, और इसमें अनुच्छेद होंगे आपके 5 से 11। और इसमें भी यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जो प्रावधान है ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। और यहां पर लिख सकते हो कि भारत की नागरिकता जो है वो एकल या एकहरी है, एकल या एकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आइए तीसरा लिखते हैं, तीसरा तो हमारा होगा तीसरा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। और ये आप सभी को पता होंगे, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और लिख सकते हो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, ओके। तीसरा भाग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान का चौथा भाग, भाग चार। भाग चार में दिए गए हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलेगा हमें भारतीय संविधान में 36 से 51। और यहां पर लिख सकते हो कि यह जो लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग पांच, भाग पांच में क्या है, भाग पांच में हमें मिलेगा संघ सरकार या केंद्र सरकार, इसी के अंतर्गत आपकी कार्यपालिका, केंद्रीय विधायिका, और जो है न्यायपालिका आएगी, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट रहेगा यहां पर, ठीक है। इसका उल्लेख मिलेगा दोस्तों हमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। और इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं
आप विशेष को इसको रहने दीजिएगा, इसमें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का भी प्रावधान है जो कि अलग रहेगा, है ना, मंत्रिपरिषद के प्रावधान अलग रहेंगे, न्यायपालिका के प्रावधान अलग रहेंगे। तो विशेषता यहां पर मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरे संविधान का टॉपिक करके, तो वहां से आप लोग ले सकते हो। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, भाग छह। भाग छह में नाम क्या होगा दोस्तों? तो यहां पर रहेगा, जैसे भाग पांच थी आपकी संघ सरकार, ऐसे ही भाग छह में हमें देखने को मिलेगा राज्य सरकार। और आर्टिकल आप लोग लिख सकते हो राज्य सरकार के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक। ठीक है, आर्टिकल संख्या 237 तक। और इसमें भी विशेष में कुछ खास नहीं लिखना है, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, अब अनुच्छेद सॉरी भाग हम सात में आ जाएंगे, भाग सात में क्या है? भाग सात में दिया गया है दोस्तों, यहां पर एक्चुअल में ये राज्यों से संबंधित था, कुछ राज्यों का नाम ये दिया गया था। अब याद रखना कि यहां पर दो राज्य थे जो अनुसूची एक में कई सारी कैटेगरी बनाई गई थी, का खा गा घा, तो यहां पर खा वाला जो पार्ट था उसके भाग दिए गए थे, जो कि अब निर्षित हो गया है। मतलब यहां पर लिख सकते हैं कि ये जो है निर्षित हो गया है, अब चूंकि है नहीं है। और तब निर्षित हुआ तो विशेष में लिख सकते हो सातवें संविधान संशोधन 1956 में इसको निर्षित कर दिया गया था, प्रेजेंट टाइम में ये जो है अभी हमारा है नहीं। ठीक है, सातवें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जो है निर्षित कर दिया गया था, इसको याद रखिएगा। ये तो सभी लोगों को पता है कि ये वाला भाग जो है निर्षित हो गया है, लेकिन ये और याद रखिएगा कि अब ये चूंकि निर्षित हो गया है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग भाग आठ में। तो भाग आठ में हम लोग देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र। भाग आठ में क्या मिलेगा देखने को? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें उल्लेख किया गया संघ राज्य क्षेत्रों का, जिसमें हमें आर्टिकल मिल जाएंगे 239 से दोस्तों 242 तक, 239 से 242 तक। विशेषताओं में कुछ खास नहीं है यहां पर, ठीक है, कुछ खास लिखना नहीं है। अब देखिए 238 कहां गया, क्योंकि 237 यहां हो रहा है, 239, तो 238 जो है ना ये निर्षित हो गया है, अभी 238 नहीं है। ठीक है, तो विशेष को छोड़ दीजिएगा यहां पर। ठीक, अब आ जाएंगे हम लोग भाग नौ। तो भाग नौ में क्या रहेगा दोस्तों, ये आप लोग बता सकते हैं, शायद आपको याद हो, है ना, पढ़ाया जा चुका है भाग नौ। तो इसमें है दोस्तों पंचायतें, क्या है इसमें? पंचायतें, या पंचायती राज लिख सकते हैं, पंचायती राज, पंचायती राज। आर्टिकल संख्या 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ तक। विशेष में इसमें कुछ नहीं है, हां लिख सकते हो कि 73वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा इसको स्थापित किया गया था, 1992 के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला नौ का, इसमें होगा आपका नगर पालिकाएं। आर्टिकल संख्या 243 P4 पैरट से 243 जेड जी तक। ठीक है, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। ठीक है, और इसमें जो उल्लेख किया गया है, ये जो आपका स्थापित हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1992। आई थिंक आपको शायद ये सारा कुछ पता होगा, है ना, शायद पता हो, और नहीं पता है तो अभी याद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल आएगा नौ खा में हम देखेंगे कि यहां पर दिया गया है सहकारी समितियों को, यानी सहकारी समितियों का जो उल्लेख है वो नाइन खा में दिया गया है, और इसमें आर्टिकल आपका रहेगा 243 जेड एच। ठीक है, ये रहेगा, और ये जो आपका स्थापित हुआ दोस्तों, इसको स्थापित किया गया था भारतीय संविधान में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में, यानी
97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा आपका 9 खा स्थापित किया गया। अब आप कमेंट करके मुझे यह बताइए कि हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में गणना करने पर सभी भागों की, यदि हम 9A 9B इस तरीके से, यार 9 खा जो लिख रहे हैं तो इसको 9A और 9B भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे हम गणना करते हैं तो भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, ठीक है। और अंत दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग लिखे हुए हैं, कुल कितने भाग लिखे हुए हैं, मतलब उनका आखिरी नंबर क्या है भाग का, 21 है 22 है 23 है 24 है 25, मतलब आखिरी नंबर क्या है वो आप लोग बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। तो 9 खा तक हम लोग आ गए हैं, 9 खा के बाद हमारा आएगा दोस्तों अगला भाग, भाग 10, भाग 10। नाम क्या है इसका, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र ये लिख सकते हैं। और इसमें आर्टिकल लिख दीजिएगा 244 अनुच्छेद 244 और 244 से 244 एक और है 244 ए या का लिख सकते हैं, कोई नहीं। और इसमें जो है कुछ विशेष आपको नहीं लिखना है, स्पेशल इसमें कुछ नहीं लिखना है। चलिए अगला आएगा हमारा भाग 11, भाग 11 संविधान का भाग 11, ठीक है। भाग 11 किससे संबंधित है, तो भाग 11 आपका जुड़ा हुआ है केंद्र राज्य संबंध से, किससे है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध से है। और इसमें जो हमें आर्टिकल देखने को मिलेंगे केंद्र राज्य संबंध में, तो टोटल जो आर्टिकल मिल जाएंगे 245 से लेकर 263 तक, 263। तो यहां पर दोस्तों स्पेशल में आपको कुछ और नहीं लिखना है, विशेष में दोस्तों कुछ नहीं लिखना है, एक मिनट दोस्तों। चलिए ओके, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट भाग में, भाग 12। इसमें है दोस्तों वित्त संपत्ति एवं संविधाएं, एवं संविधाएं। तो आपके जो दोस्तों पढ़े होंगे आप लोगों ने कि हमारे भारत सरकार बहुत सारे फंड होते हैं, बहुत सारी निधि होती है, तो इन निधियों का जो उल्लेख है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा भाग 12 के अंतर्गत, है ना। और एक बहुत चर्चा का विषय रहा आर्टिकल या हमारा मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, तो वो भी इसी में है, और यहीं से हम लोग देखेंगे आर्टिकल 264 से लेकर के ये रहेगा आपका आर्टिकल 300A तक। और 300A में आप लोग जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया था, तो आप लिख सकते हो कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया था, संपत्ति के अधिकार को यहां पर भाग 12 में जोड़ा गया था, ये आप जो है यहां पर ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसके बाद आएगा भाग 13। भाग 13 में क्या दिया गया है, भाग 13 में दोस्तों केंद्र राज्य के आर्थिक संबंध, केंद्र राज्य के आर्थिक संबंधों का उल्लेख भाग 13 में है। और इसमें दोस्तों आर्टिकल जो हम लिखेंगे ये होगा अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307, अनुच्छेद 301 से लेकर 307। विशेष में छोड़ दीजिएगा, विशेष में कुछ खास नहीं है यहां पर लिखने के लिए, ठीक है। भाग आ जाएंगे 14, भाग 14। तो भाग 14 में क्या दिया गया है दोस्तों, यहां पर भाग 14 में दिया गया है आपका निर्वाचन, एक सेकंड दोस्तों, भाग 14 आई थिंक सॉरी केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, हाँ केंद्र राज्य के अधीन सेवा लिख सकते हैं या प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्य के अधीन प्रशासनिक सेवाएं, तो सेवाएं लिख दीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 308 से लेकर 323, इसी में आपका आ जाएगा दोस्तों यूपीएससी, है ना, एसपीएससी, जेपीएससी, और लाभ का सिद्धांत परिभाषित किया गया है ना, कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं होगी,
ये सारा कुछ आपका भाग 14 में हो जाएगा। चलिए इसके बाद आएंगे हम लोग भाग 15 में। भाग 15 चलिए भाग 15 भाग 15 इसमें आएगा आपका निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग। हाँ, भाग 12 में वित्त आयोग भी है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ठीक है, निर्वाचन आयोग और आर्टिकल संख्या 324 से लेकर के 329 तक। तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख इसी में है। ठीक है, फिर आएगा भारत में भाग 16 और भाग 16 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भाग 16 में जो उल्लेख किया गया है यह है कुछ विशेष वर्गों के उपबंध, विशेष वर्गों के उपबंध। विशेष वर्गों में जैसे आपने सुना होगा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, ओबीसी के लिए आरक्षण, और कुछ समय पहले जो है एक हमारे संविधान संशोधन किया गया था संविधान में आंग भारतीय समुदाय वर्ग को लेकर के, तो आंग भारतीय समुदाय वर्ग के रिजर्वेशन का, तो जितने ऐसे विशेष वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था यहां पर की गई थी, जो कि है आपका अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक। ठीक है, और इसमें जितने भी आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये जितने भी आयोग हैं, ठीक है, और जितने रिजर्वेशन का प्रावधान है वो सब कुछ इसी में, विधानसभा में रिजर्वेशन, अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी, तो सबका जो रिजर्वेशन का प्रावधान है विशेष वर्गों में वो भाग 16 के अंतर्गत ही है, और इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, अब इसमें चाहो तो इन आयोग के नाम लिख सकते हो, मतलब ये जो एससी एसटी आयोग है तो कोष्टक में यहां पर एस आयोग फिर लिख दीजिएगा, एससी एसटी और ओबीसी, ये आयोग जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम भाग 17 पर। भाग 17 और भाग 17 में लिखेंगे राजभाषा। देखिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं है, राजभाषा शब्द का प्रयोग है, राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, विशेष में यहां पर कुछ खास नहीं है कि विशेष यहां पर लिखना पड़े। ठीक है, तो यहां पर बस इतना ही लिखिएगा। फिर आ जाएंगे हम अनुच्छेद भाग 18 में, और 18 में हम लोग देखेंगे आपातकालीन उपबंध या आपात उपबंध। आपात उपबंधों का उल्लेख मिलेगा 352 से लेकर अनुच्छेद 360, जैसे कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, पहले राष्ट्रीय आपातकाल, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इन सभी का उल्लेख जो है यहां पर देखने को मिलेगा, आपात उपबंध यानी भाग 18। फिर आ जाएंगे हम भाग 19, जो कि कह सकते हैं कि भाग 19 अन्य में है, या कहीं कहीं लिखा रहता है प्रवीण या मिसलेनियस। ठीक है, तो प्रकीर्ण लिख सकते हैं, और आर्टिकल हो जाएगा आपका दोस्तों 161 से 367। इसमें भी विशेष में कुछ खास नहीं है। ठीक है, और अब हमारा जो आर्टिकल आएगा भाग 20 में क्या है सभी लोग जानते होंगे, आई थिंक सभी लोग जानते ही होंगे, तो यहां पर लिख दीजिएगा संविधान संशोधन। ठीक है, मेरा इतना ही लिख पाया, आप पूरा लिख दीजिएगा भारतीय संविधान का संशोधन, और आर्टिकल संख्या 368 विशेष को छोड़ दीजिएगा, विशेष में यहां पर कुछ खास नहीं है। ठीक है, फिर आएगा हमारा भाग 21 अस्थाई अस्थाई संक्रमणकालीन उपबंध, अस्थाई संक्रमण कालीन उपबंध। ठीक है, अस्थाई संक्रमण कालीन उपबंध जो हमें देखने को मिलेंगे ये रहेगा दोस्तों अपना अनुच्छेद 369 से 392 तक। ठीक है, 392 तक, विशेष को छोड़ दीजिएगा। फिर आ जाएंगे हम लोग भारतीय संविधान के लास्ट भाग पर। कमेंट करके बताइए क्या है हमारा
अंतिम भाग का नाम क्या है, ठीक है, और क्या इसमें दिया गया है भाग 22 में, तो हमारे भारत का नाम क्या है, हमारे संक्षिप्त, यानी हम कह सकते हैं संक्षिप्त नाम प्रारंभ, कि भारतीय संविधान का प्रारंभ होगा, ठीक है, आर्टिकल संख्या 393, 394 और 395, यानी कंप्लीट यहां पर हो जाएगा, तो 393 से 395। तो ये थे दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के भाग 22। तो अंतिम अंक यदि आपसे पूछे, अब देखिए एक चीज समझना, यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकती है, अंतिम अंक आपसे पूछे तो भाग 22 ही है संविधान में, लेकिन ये पूछे कि कुल कितने हैं, कुल कितने, तो देखिए 22 है ना, अब यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, यहां पर 3 हो गए, 3 भाग हो गए, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, यहां तक 15 तक 8 भाग हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए 10 तक, ठीक है, 13 हो गए, फिर ये 14, 15, 16, 17, 18, 19 हो गए, फिर 20, 21, 22, 23, 24, एक और है दोस्तों 25, अभी शायद अपन लोग 14 भी भूल गए हैं, एक मिनट रुकना दोस्तों, 14 का हाँ ये शायद यहां पर भूल गए हैं 14, तो एक और यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है, 14 का में लिख देना अधिकरण, ठीक है, 14 का यहां पर लिख दीजिएगा 14A और इसमें लिख दीजिएगा अधिकरण, क्या लिख देना है अधिकरण, और इसमें आर्टिकल दोस्तों कुछ अलग से नहीं लिखना है अधिकरण में, बस इतना ही लिख दीजिएगा, 323 ही है, तो 323 में का और खा, आर्टिकल संख्या 323 में ए और 323 में बी, ये दो आर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है, तो मतलब ये एक्स्ट्रा अपन ने यहां पर एक जोड़ दिया, तो 24 वो हो गए थे और ये हो जाएगा 25, तो ऐसे गिनने पर कितने आएंगे 25 आ जाएंगे, और अंतिम अंक क्या होगा भाग 22 होंगे। तो दोस्तों बताइएगा, ठीक है, कैसे लगे, मैं एक एक करके आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये पहला रहेगा, ठीक है, और ये जो लिखे हुए हैं, ये जो मैंने लिख दिए हैं 24 करके, ये सारा कुछ मत लिखिएगा, ठीक है, ये सारा कुछ नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है, और ये कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या लिखा है मैंने, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए सब लोग, या वीडियो रोक करके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, तो चलिए मिलेंगे किसी नए वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार, थैंक यू सो मच।